कि यहीं जाया जाए जी। यही जज किया? हाँ। सीमा नाम है आपका? तो सीमा आप हैदराबाद में रहते हैं? नहीं, झांसी में। झांसी में रहते हैं। तो आने का कितना समय लगता है आपका वहाँ से? वहाँ से अभी हम भाई जो उदय तो 8-10 घंटे लगते हैं। 8-10 घंटे लगते हैं। अब ऐसे ट्रेन से आएंगे तो 6-7 घंटे। तो वीडियो आप हमारी कब से देख रहे हैं? जी अभी हमें लॉकडाउन के पहले से देख रहे हैं। भैया ने कुछ बताया आपको? भैया ने क्या कहा? कि कुछ नहीं है, प्रेत रेत का मतलब कहीं दिखाया होगा तो कट गया होगा, जो भी हो मतलब प्रेत कट गया, लेकिन उसका असर असर है, असर बाकी है। और वो असर किस रूप में था? दर्द, दर्द के रूप में था। अभी हमने आपको मतलब बाबा की छड़ी से छुआ, आपके दर्द में कुछ आराम पड़ा है? कितना आराम पड़ा है? आधे से ज्यादा आराम खत्म हो गया, मतलब आराम हो गया आधे से ज्यादा, दर्द खत्म हो गया आधे से ज्यादा। एक बार आप चल के आए जरा से वहाँ से, फिर मुझे बताएं। ऐसी नाजुक स्थिति जो है इनकी कब से बनी हुई है? 22-23 साल हो गए। आगे आइए थोड़ा। तो क्या आपने डॉक्टरों को नहीं दिखाया इनको? ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसे नहीं दिखाया हमने। झांसी में डॉक्टर को दिखाया और लोग आपने जो कहा, हम जंगल जंगल घूमे, जड़ी बूटियां खिलाई, जिसने जो कहा वो। बस 6 महीने से, 6 महीने के करीब से आपकी वो गैस देख रही यूट्यूब पे। हाँ, तो फिर वो तो बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब पे, दिन रात देखते रहते हैं, रात के 2-3 बजे सोती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों की है यूट्यूब पे, तो आपने हमारी क्यों देखी? मतलब आए तो और लोगों की भी है, लेकिन वो सबका कैलकुलेशन किया हमने तो आपका सबसे अच्छा लगा। ऐसा कैलकुलेशन कैसा था? आप आज पहली बार आए, आप आते ही मुझे मिले, मैंने बहन जी की थोड़ी बहुत सेवा की जी, उनको आराम पड़ा, तो कैलकुलेशन में क्या देखा कि मनु भैया तो सबसे मिलते हैं शुरू से ही? हाँ, आपके बारे में हमने जो भी हम जितना भी देखा सबसे अच्छा आपके बारे में लगा हमें। तो उसमें कोई चीज कारण जानने में आता ना, जैसे एक आदमी ने जज किया, उसने देखा जो कानपुर में है भाई, उनके सामने लोग बैठ के जो है उदासीन रहते हैं, ठीक है, गमगीन रहते हैं, आपके सामने बैठ के हंसते हैं लोग। हाँ, आपके सामने बैठ के हंसते हैं लोग। तुलना में आपका नंबर बन पे रखा जी, इसलिए हम लोग। तो बहन जी आज आप आए, मैंने आपको समय दिया, क्या आपको लाभ हुए? अभी कहाँ दर्द रहता है, अभी कहाँ महसूस हो रहा है आपको? पैर में, घुटनों से नीचे? तो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है? नहीं, पीछे है। ऐसे बैठो, ऐसे हो, आगे में भी सूजन रहती है। कौन से घुटने में सूजन रहती है? अच्छा, मैं देखता हूँ, झाड़ा लगाते हैं बाबा की छड़ी से। बाबा की छड़ी से आपके पैर छुएंगे। इसने भी जो कहा वो हमने किया। तो क्या कभी इतनी जल्दी इतनी तेजी से आराम पड़ा आपको? नहीं। हाँ, दवाइयों में क्या दवाई ले रहे थे? आपको कोई टेबलेट का नाम याद है? हाँ, डाइक्लोविन खाते हैं, उसी से आराम मिलता है, बाकी कोई दवाई वैसे नहीं। आराम डॉक्टर को दिखाया। हाँ, उसने क्या बताया? और एमडी डॉक्टर को, 4-5 एमडी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने क्या बताया? गठिया है, गठिया मैक्स पे हो गई, यहाँ मतलब गठिया मैक्सिमम सर तक पहुँच गई, मैक्स पर हो गई। मेडिकल रिपोर्ट ने बोला, मेडिकल रिपोर्ट ने बोला। इसके बाद हम लोग अहमदाबाद गए, कष्ट भंजन हनुमान जी, 3 साल से जाप कर रहे हैं सवेर और शाम को हनुमान जी का, मतलब तो उससे लाभ क्या हुआ बहन जी? उन्होंने बोला आराम मिलेगा, थोड़ा आराम मिला, इसके थोड़ा आराम मिला मतलब, लेकिन फिर जब से हम खड़े नहीं हो पा रहे। अभी तो आप खड़े हैं? नहीं, मतलब बैठ नहीं पा रहे, आटा भी नहीं मार पा रहे, आटा गूंथ नहीं पाते हैं। हाँ, मतलब जितना काम कर सकते थे पहले कोई काम, मतलब काम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे महिला को घर का काम करना है, बच्चों को काम करना है, वो नहीं कर पा रहे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? दो लड़के, एक लड़का इससे बड़ा है। क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई, दोनों ही। अभी देखो एक बार आप चलिए, मुझे दर्द बताओ ढूंढ के कहाँ है। फिर मेडिकल रिपोर्ट में फिर जांच करवाई तो फिर नॉर्मल निकला है। अब नॉर्मल निकला है तो वो गठिया वाली खत्म हो गई सिस्टम जी। अब आप देख लीजिए, बार 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 कुछ कुछ आता है जी, तब आदमी को समझ लेना चाहिए, इसका मतलब डॉक्टर की केस समझ में नहीं आ रहा है जी। और केस डॉक्टर का है भी नहीं, समझ में तब आएगा ना जब डॉक्टर का केस होगा जी। देखो मेरा दांत है सामने, ये हिल रहा हो तो समझ में आता है डॉक्टर का, ठीक है। मेरी आंखें हैं वो घूमने लग रही हो तो समझ में आता है डॉक्टर का है। मेरे हार्ट में कोई ब्लॉकेज महसूस होती हो तो समझ में आता है डॉक्टर का है। लेकिन इन चीज़ों में से भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आंख में जलन का कर देना, खुजलियाँ कर देना, आंखों से कम दिखाई देना, ये भी प्रेत बाधा के लक्षण हो सकते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो गठिया बाय नहीं भी है तो भी डॉक्टर को वो चीज़ें महसूस हो सकती है। अभी कहाँ दर्द हुआ?
अभी दर्द नहीं हो रहा लेकिन भारीपन लग रहा। अभी बैठ के आप देखो, क्या बैठ के ऐसे उठ पा रहे थे जैसे अभी, क्या परिवर्तन आया बैठ के उठने में? पहले बैठ जाइए आप। घर से यहाँ तक 480 किलोमीटर आया हूँ। ये तो आपने सोच लिया नहीं बैठ पा रहे। नीचे पहले जमीन पे हाथ रखिए, जमीन पे हाथ रखो, झुक जाओ। बैठना क्या, बैठ तो आदमी ऐसे भी पा सकता है, बैठ कैसे सकता है? बैठ तो आदमी ऐसे भी गिर सकता है सीधा हाथों पे, अपने हाथों पे नहीं बैठता आदमी, ऊपर नीचे नहीं होते, एक्सरसाइजेस नहीं करते। हो ही नहीं पाती, बहुत ज्यादा दर्द। अभी क्या हुआ? अभी बस भारीपन है, जाम सा बस, और दर्द नहीं है। दर्द नहीं। फिर भाई जब दर्द नहीं है, भारीपन है, जाम सा है, तो बैठना चाहिए ना आराम से। पहले कैसे बैठते थे, ऐसे ही बैठते थे? नहीं बैठते नहीं। बैठे कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल से आप बैठे नहीं? ऐसे नहीं बैठे, पूजा भी खड़े होके करने पड़ती है। आप खड़े होना जरा, कोई मुड़ा पर बैठ जाते हैं, चौकी पे बैठते हैं, मतलब जमीन पे नहीं बैठे? जमीन पे करना, सब काम खड़े होते हैं। उठो 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 उठो, अपने हाथ से कोई नहीं उठाए, चांद जैसे उठो, 2 बार बोलो। उठ तो गए, फिर बैठना 1 मिनट बाद। अभी थोड़ा घूम के आओ, तब तक हम आपके लिए दुआ करते हैं। सीमा नाम है ना? जी सीमा पटवा। बस वो भी चला जाएगा। आप रुकिए एक रात को, ठीक है? रुक पाएंगे ना? हाँ, आप एक रात को रुकिए, कल भी आपके लिए वो करते हैं, कल आपका जाप करते हैं, इससे आपको लाभ होगा, अनंत लाभ होगा, ठीक है ना? और इसके बीच में केवल दर्द के लिए कि बाबा हमारा जो दर्द है उसको आप दूर करें। दर्द में तो आराम हो गया ना अभी, सारा का सारा टोटली, ठीक है ना? अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ये मैं बता देता हूँ आपको। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव, बोलो साबिर, जय शनिदेव, बोलो भाई जय शनिदेव। दर्द नहीं है ना आप शरीर में? नहीं है।